ये इसमें मल्टी किडिंग जीन है, मतलब ये 2 से 5 बच्चे देने की कैपेसिटी ये भेड़ में है, ये मल्टी किडिंग जीन है। ऐसी भेड़ किधर भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। मैंने भी 5 साल पहले बोअर का किया था, ये यूट्यूब में वगैरह सब देख के, लेकिन ये सब गलत है क्योंकि आपको कस्टमर ही नहीं मिलेगा। क्यों 1200 रुपये का, आप जब आप समझो आप ब्रीडिंग के लिए बोयर गोट लेंगे, उसका जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका सेलिंग नहीं होगा। कटिंग लाइन में ऐसा है ना कि जब आप मटन खरीदने को जाओगे वो आपको बताएगा तो कुछ भी नहीं बता पाएगा ये कौन सा है, क्योंकि उसके ऊपर लेबल नहीं रहता ये बोयर है या ये फलाना है, सोजत है या सिरोही है या बीटल है, ये कुछ भी नहीं रहता है, ये मटन मटन ही है। दोस्तों आज हम पहुंचे कर्नाटका में बेलगांव में, यहाँ पर मैं आपको ऐसी ब्रीड्स इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। इसके बारे में सर से बात करेंगे, सर का परिचय भी लेंगे, कहाँ पे फार्म है, क्या क्या इस ब्रीड की खास बात है और कैसा आप ये काम अपना शुरू कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ पर आपका फार्म है। मैं बेलगाम से बोल रहा हूँ, कर्नाटका में बेलगाम शहर पड़ता है। मेरा नाम है महेश मीरजकर। जी जी तो ब्रीड की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ब्रीड खास बात है, इसकी जो ब्रीड है काफ़ी स्पेशल है, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। सर बताइए क्या ब्रीड है ये। ये ब्रीड है नारी सुवर्णा ब्रीड है। ये इसमें मल्टी किडिंग जीन है, मतलब ये 2 से 5 बच्चे देने की कैपेसिटी ये भेड़ में है, ये मल्टी किडिंग जीन है। ऐसी भेड़ किधर भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा ये मल्टी जीन ब्रीड है, तो आपने ये बताया कि 4 भेड़ों से मिलकर बनी है सर ये। हाँ जी, वो हाँ क्या जी, हिस्ट्री है सर, हिस्ट्री बताइए। निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नारी करके एक संस्था है जो फल्टन सातारा महाराष्ट्र में, उन्होंने 20 साल के परिश्रम से ये भेड़ को बनाया है। इसका जो मेन जो फाउंडेशन है ये गेरोल है, जो वेस्ट बंगाल में गेरोल शिप है भेड़ है, उस पर ये जो ब्रोनोला जीन है, वर्ल्ड में सिर्फ वही ब्रीड में ये जीन मतलब मिलती है कि उसमें 2 से 3-4 बच्चे देने की कैपेसिटी वो गेरोल शिप में है। वो शिप को फाउंडेशन लेके इधर लोकल ब्रीडों की भेड़ को लेके उसको ये 5 ब्रीड इसमें ऐड करके ये ब्रीड बनाई है। यानी 5 भेड़ों के गुण। हाँ, 5 भेड़ों के गुण, मतलब क्या है कि समझो गेरोल में बच्चे देने की कैपेसिटी थी लेकिन उसमें दूध नहीं था, या दूध था तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत छोटा था, तो उस हिसाब से 5 अलग अलग भेड़ की प्रजाति को ऐड करके एक भेड़ ये नारी सुवर्ण बनाई है। सर आपके साउथ में जैसे कर्नाटका हो गया या महाराष्ट्र हो गया, उसमें बोयर गोट का बड़ा चलन है, तो आपने बोयर गोट ना करके इसको क्यों चुनाव करा, इसका क्यों डिसीजन लिया इसको करने का, जबकि फ़ायदा लोग कहते हैं उसमें ज़्यादा है, 1400 रुपये किलो बिकता है, 1200 रुपये किलो बिकता है मीट। सब झूठी बातें हैं, ये लोगों को ठगने का काम है, क्योंकि 1200-1400 रुपये लेके कोई बकरी या लेके करेगा क्या, क्योंकि वो 1200-1400 रुपये लेके उसको कुछ उसका रिटर्न्स नहीं है। मैंने भी 5 साल पहले बोयर का किया था ये यूट्यूब में वगैरह सब देख के, लेकिन ये सब गलत है क्योंकि आपको कस्टमर ही नहीं मिलेगा। क्यों 1200 रुपये का, आप जब आप समझो आप ब्रीडिंग के लिए बोयर गोट लेंगे, उसका जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका सेलिंग नहीं होगा। समझो आपने 1200-1500 रुपये प्योर लेंगे तो 2000-2500 रुपये, अभी इम्पोर्टेड ब्रीड कोई लोगों ने मंगाया है, क्योंकि इंडियन में वो बोयर गोट इंट्रोड्यूस भी नारी लोग मतलब निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने ही उसको भी इंट्रोड्यूस किया था 20 साल पहले, वो अभी तक सर मतलब सक्सेस नहीं हो पाई है। क्योंकि सर हम लोग देखते हैं कहीं भी मार्केटिंग में बोर नहीं नज़र आता है, या अगर कोई मीट लेने भी जा रहा है तो वो उसको ये नहीं पता होता कि ये बोर का है कि किसका है, कौन सी बकरी का है। कटिंग लाइन में ऐसा है ना कि जब आप मटन खरीदने को जाओगे वो आपको बताएगा तो कुछ भी नहीं बता पाएगा ये कौन सा है, क्योंकि उसके ऊपर लेबल नहीं रहता ये बोयर है या ये फलाना सोजत है, या सिरोही है, सिरोही है या बीटल है, ये कुछ भी नहीं रहता है, ये मटन मटन ही है। और बोयर का जो इन्वेस्टमेंट है समझो 1200-1500-2000 रुपये किलो से लेके वो सामने, उसके पास कस्टमर चाहिए ना कि वो बेचेगा किसको, राइट। और यूट्यूब की वजह से लोग गुमराह हो रहे, बाकी कुछ नहीं है, ये क्या है अपना माल बेचने के लिए लोगों को ठग रहे कि बाबा ये 1200 रुपये में बिकेगा, ये हमारे से आप ले लो और आप ब्रीडिंग करो और ये आगे आपको बेच, अरे लास्ट में इसका एंड जो है ये कटिंग है, तो उस रेंज में ही आपको ब्रीडिंग का काम आप करोगे तो नुकसान नहीं होगा, किसान उसमें नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि 1200 रुपये लेके किसान बेचेगा किसको।
बिल्कुल बराबर। हाँ, और 1200 रुपए का समझो, 1200 रुपए में लेके अगर 30-40 किलो का अगर आप बकरा लोगे तो 60-50-60 हज़ार रुपए का बकरा लेके उसका ब्रीडिंग करोगे, उसका रिटर्न मिलेगा कभी। लेकिन ये भेड़ में ऐसा नहीं है, भेड़ की कॉस्ट कम है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ये कुछ भी आपके कौन से भी चारे पे ये सर्वाइव होती है, और 3 से 4 बच्चे देने की इसमें कैपेसिटी है। अच्छा, 3 से 4 बच्चे। हाँ जी, ये तो सर बकरी से भी ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि बकरी तो साल में 1 या 2 बच्चे देती है, और जबकि खाना वगैरह जो उसको स्पेशल चाहिए होता है, बीमारियाँ वगैरह उसमें आती हैं। इसमें कुछ भी बीमारी नहीं है, और ये किसी भी कचरे मतलब उनसे भी हल्के से हल्के चारे में ये भी ये सर्वाइव हो जाती है। तो वैसे अभी आप क्या खिला रहे हैं इनको? अभी देखो, इसको डाला है अपना, अभी ख़त्म हो गया है। अभी ये देखो, ये जो है मूंग का ये भूसा है, मूंग का भूसा। हाँ जी, ये सोयाबीन का भूसा, मूंग का भूसा, चने का भूसा या गेहूं का भूसा, ये किस कौन से भी खाने पे ये सर्वाइव कर लेती है। जी जी। लागत जो है मतलब खाने की पर डे की अगर बात करें तो ना के बराबर है सर? कुछ भी नहीं है जी, अगर सूखा आप ऐसा भूसा दोगे इसे, इसको 1.5 से 2 किलो में काम हो जाएगा इसका। और हरे चारे में 2 से 3 किलो हरा चारा मतलब भी आप इसको कुछ खास ऐसे देनी जरूरत नहीं, आप सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर या मक्का जो अपना जो हरा मक्का जो आता है वो बोलो, कुछ भी आप इस पे दे सकते हैं। रफ एंड टफ है, बिल्कुल रफ एंड टफ है, या तो आप चराई पे भी भेज सकते हैं। जी, अब सर बोलेंगे कि आप, हमने फार्म भी स्टार्ट कर लिया, ले भी आए, अब माल कहाँ आप सेल कर रहे हैं बताइए? नहीं, सेल मेरे को मतलब इसके लिए कुछ ये नहीं है, कस्टमर मेरे फार्म से आके ही लेके जाते हैं। आपको कोई दिक्कत वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो खासियत है ना, ये बच्चे ज़्यादा देने की कैपेसिटी इसमें है, इसकी वजह से किसान को इसका बहुत फ़ायदा है। कस्टम मतलब किसान मेरे से आके मतलब बुकिंग पे चलता है। अभी मेरे पास ये बच्चे हैं यहाँ पे, ये 2.5 से 3 महीने हैं, हम लोग 4 महीने के बाद इसको बेचते हैं ये बच्चों को, ये मेरे पास बुकिंग पे चलती है, क्योंकि जितने बच्चे मेरे पास होते हैं हम लोग सेल कर देते हैं 3-4 महीने। अभी ये लोग, ये बच्चे यहाँ पे हैं, ये दे मतलब 15 से 20 दिन या के अंदर के बच्चे हैं। जी जी। हाँ जी, तो सर 5 से आपने स्टार्ट किया था। हाँ जी, और आज 100+ हैं। हाँ जी, प्रॉफिट कितना ले रहे हैं आप इससे? फीट का तो बहुत बढ़िया सुकून है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि बोल कितना प्रॉफिट है, हम लोग वीडियो पे तो बोल नहीं सकते, लेकिन सुकून है, खुश है, खुश बहुत खुश है। मतलब वो नहीं करोड़ों कमाते हैं, वो लाखों कमाते हैं? कुछ नहीं है जी, वो बोलने की बात है, अगर मैं बोलूँगा मैं महीने का साल का करोड़ कमाता हूँ, वो कोई बोलने की चीज़ नहीं है। उसका प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट मतलब उसको अलग ही, क्या कोई कुछ भी बोल दे, वो बोल दे कुछ नहीं, वीडियो में बोल दे करोड़ रुपए कमाएगा, उसके पीछे मेहनत बहुत है जी, और इन्वेस्टमेंट भी, आप करोड़ कमाने में भी कोई बड़ी बात नहीं, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी है, उसके हिसाब से आप मार्केटिंग और सेल भी है जी। शुरुआत कोई कैसे कर सकता है सर इसकी? देखो, इसके शुरुआत 5 भेड़ और 1 भेड़ा मतलब मेल, 5 में फीमेल और 1 मेल से लेके कर सकता है शुरुआत। हालांकि कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है सर? नहीं, नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और बीमारियां वगैरह सर क्या आती हैं? बीमारी कुछ नहीं, इसको साल में 4 टीके लगते हैं, अगर 4 टीके इसको लग जाए तो इसको कोई भी बीमारी नहीं है। जी जी, वैक्सीनेशन करा ले। हाँ, और उसके बाद जो कोई ऐसी समस्या इसमें आने वाली है नहीं, है नहीं। दूसरा मैं देख रहा हूँ आपने जो फार्म सर बनाया हुआ है, बहुत ही लो कॉस्ट में बनाया हुआ है, तो एक तो आपकी इससे फार्म की लागत जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। हाँ जी, क्यों सर? लोग जो है बड़ा हैवी फार्म बना लेते हैं अपना। नहीं नहीं, यही तो गलत है, किसान फंसता उधर ही है, क्योंकि ये जो शेड है ना, ये शेड आपको पैसा नहीं देगी कमा के, इसको आपको जो आपका एनिमल है उसको फूड है, इसके ऊपर आप पैसा लगाओ तो उसका वो कमा के देगी। आप शेड में शेड पैसा इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इतना होता है कि वो कमा के नहीं देगी आपको, इसको सिर्फ धूप, बारिश, ठंड, इससे उसको बचाव कर रखना है। इसको ये नहीं पूछ बोले कि मेरे को हाईटेक में रखो तो ही मैं ज़्यादा मुनाफा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, इसकी जो अभी ऊन यहाँ पे आई हुई है, हाँ जी, इसको उतारेंगे क्या अभी? हाँ, हम साल में 2 बार इसकी ऊन उतारते हैं। तो वो भी सेल होती है? नहीं, यहाँ पे अपने यहाँ पे तो डिमांड कम है ऐसे। हाँ, यहाँ पे जी ये ऊन की तो हम लोग वो खाद में डाल देते हैं, मतलब खाद में चले जाता है। कहीं जैसे जम्मू कश्मीर में है कोई, वहाँ तो सेल हो जाएगी? वो ब्रीड है, वो नहीं, हर एक ब्रीड की जो ऊन है वो भी फर्क है, जम्मू कश्मीर की ऊन अलग है, ये ऊन अलग है। और मैं देखा तो टैगिंग सिस्टम आपने किया हुआ है कानों पे। हाँ जी, ये क्या है, इससे क्या फायदा होता है? इसके हमारे जितने हमारे जो मदर स्टॉक है, पूरा मतलब पेरेंट स्टॉक है जी, तो इसका पूरा ये टैग के हिसाब से इसका पूरा हिस्ट्री हमारे पास मिलेगा। हाँ, ये कब पैदा हुई, इसका माँ कौन है, इसके बाप कौन है, इसको मतलब ये कब कितनी बार बियाई है, हर बियात में इसने कितने बच्चे दिए हैं, इसकी पूरी रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में मिलेगी।
तो यानी जरूरी है सर ये? हाँ जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कर्नाटक में इसका डिमांड ज़्यादा होने से लोगों ने क्या किया कि इसके मेल को लेके यहाँ के लोकल भेड़ों को क्रॉस करके नारी सुवर्ण करके बेच दिया लोगों ने। ऐसा हो के थोड़ा लोगों ने बहुत लोग मतलब इधर फंस मतलब इधर भी ठगे गए हैं। इसका नारी सुवर्ण का अगर किसी इसका हिस्ट्री अगर चाहिए तो इसका ब्लड सैंपल होता है और वो जीनेटिक लैब बोलते हैं उसको, इसके जीन जो रहते हैं इसमें होमोजिगस और हेट्रोजिगस ऐसे दो जीन आते हैं। ये इंडिया में किसी भेड़ में ये जीन नहीं मिलेगा, सिर्फ नारी सुवर्ण में मिलेगा होमोजिगस और हेट्रोजिगस। इसमें होमोजिगस और इसमें डबल जीन है, हेट्रोजिगस सिंगल जीन है। अगर इसमें एक भी जीन आ जाए मतलब सिंगल जीन भी आ जाए तो भी वो ज़्यादा बच्चे देने की इसमें कैपेसिटी है जी। अभी सर लाइव हमने देखा कि आपने जो आपकी फीमेल थी है उसने दो बच्चे दिए थे और तीसरा अभी चलने को तैयार है। अभी यहाँ पे देखो ये दो बच्चे हो गए, एक तो ये बच्चा है, एक बच्चा है और एक ये बच्चा है। जी जी एक ये है और अभी तीसरा सर अभी समय लगेगा थोड़ा। ये देखिए दोस्तों ये अभी सर वेट कितना होगा इसका अभी अंदाजा? वेट मेरे हिसाब से 1.5 से 2 किलो, दो से तीन किलो तक का वेट है। देखिए ये अभी जस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले ही हुए हैं बच्चे और आप वजन देख लीजिए 2 से 3 किलो आप इसका मिल जाएगा। दो बच्चे ऑलरेडी दे चुकी है और एक बच्चा देने में है और एक अभी देखिए वहाँ पे उनको बुलाया गया स्पेशली जो ये बच्चे वगैरह ये करते हैं परफेक्ट है इसमें ये। तो सर लास्ट सवाल मेरा ये आता है कि कोई आपसे कैसे मंगवा सकता है, आप कहाँ का इंडिया में इसको सेल कर या भेज सकते हैं इसको? ऑल ओवर इंडिया अगर किसी किसान को इसकी ज़रूरत मतलब पालने की इच्छा हो तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं। हाँ जी और क्या कहना चाहते हैं सर आप हमारे जो बेरोजगार भाई हैं या जो? हाँ ये बहुत बढ़िया आपने सवाल बोला कि समझो घर पे कोई बुजुर्ग लोग है या कोई मतलब लेडीज़ लोग जो बैठे हुए घर पे वो लोग इसको 10 भेड़ और एक मेल लेके बढ़िया से बढ़िया इसका मतलब उत्पन्न का साधन करके कर ले सकते हैं। अगर समझो यहाँ से फीमेल नहीं लेके जाना उनको नहीं होगा तो लोकल ब्रीड से भी वो अपना ये ब्रीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं। यहाँ से हमारी जो नारी सुवर्ण के जो ये मेल है मेल बच्चे लेके वहाँ की लोकल भेड़ को, अभी किसी को लोगों को ऐसा रहता है कि बाहर की भेड़ हमारे एरिया में हमारे क्लाइमेट में सेट होगी नहीं होगी तो कोई मत ये नहीं है कि आप लोकल भेड़ लेके भी यहाँ से आप मेल लेके जाके आप क्रॉसिंग करके ये प्रजाति आप वहाँ पे भी डेवलप कर सकते हो। जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपने देने की कोशिश करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर।